हमारा यहाँ आने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उनके साथ हर रोज जुल्म हो रहे हैं, और हमारे जो करप्ट मौलवी हैं जो ब्लस्फेमी लॉ का फायदा उठाकर इन बेगुनाह लोगों को इतनी दर्दनाक सजा दे रहे हैं, उसको हम लोग पूरी तरह, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी यूके में उसको कंडेम करती है, और हम समझते हैं कि जो ब्लस्फेमी लॉ है इसमें बहुत जरूरी है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और अगर कोई शख्स हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बोलता है तो उसका एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना चाहिए, जिसमें पुलिस है, जज हैं और कोर्ट्स हैं जिनको सजा देनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि आम आदमी को यह हक पहुंचता है कि वो खुद ही पुलिस बन जाए, खुद ही जज बन जाए और खुद ही एग्जीक्यूटर बन जाए। तो हम टोटली कंडेम करते हैं जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी पर जो जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए, और मैं समझता हूं कि जो हमारी हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की खास तौर पर यह बिल्कुल बुरी तरह फेल हो चुकी है, यह माइनॉरिटी को कोई प्रोटेक्शन नहीं देती और ना ही दे सकती है। इसीलिए हमें चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को उसका सौ मोटो एक्शन लें और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाए जिन लोगों ने ये एट्रोसिटी कमिट की है। देखिए वहाँ पर ये दो बेगुनाह लोगों को आग की भट्टी में फेंक दिया गया है और इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कहता हूँ कि ये बिल्कुल झूठा केस है। इन्होंने अपने पर्सनल ग्रज के लिए इन दो बेगुनाह लोगों को, और ख़ास तौर पे जो हमारी बहन शमा थी वो प्रेगनेंट थी, और उसको इन लोगों ने आग में फेंका है, और मैं कहता हूँ कि इन लोगों के लिए ऐसी इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए कि दूसरे मौलवी जो है वो दो बार सोचेंगे इस किस्म के एक्शन के लिए। थैंक यू।